हेलो एंड नमस्कार, आई एम ओमवेश उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग अस लाइव एट पीएम ई विद्या चैनल नंबर 9. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th एंड इन दैट वी विल स्टडी चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पार्ट 3. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दैट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन अ मोबाइल नंबर 8800440559 और यू कैन ऑल्सो मेल अस एट आवर ईमेल आई डी इज dth.class9@ciet.nic.in. Dear students, as I told you that today we will learn about surface areas and volumes part 3. Part 1 and part 2 of the same chapter was already studied on our channel. If you haven't seen that, you can go on our YouTube channel and watch those parts. And today to teach the part 3, we are joined by Ms. Beena Prakash ma'am, who is the PGT Mathematics at Campion School, Bhopal. Welcome in the program, ma'am. Thank you, Omesh ji, and good afternoon to all my learners. Ma'am, in the previous parts, part 1 and part 2, we saw that you cleared all the foundation aur jitni bhi bunyadi baatein thi, jo bhi concepts the, wo aapne students ke clear kiye. पार्ट थ्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए पार्ट वन और पार्ट टू का एक बहुत ही ब्रीफ रिकैप दें ताकि उनको आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईज हो. थैंक यू उमेश जी. आज एक्चुअली ये चैप्टर का नाम है ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दैट मीन्स दो चीज़ें कर रहे हैं हम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम. सरफेस एरिया वॉल्यूम किस में होता है, किसी ऑब्जेक्ट्स में होता है. तो सारे ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस होते हैं, उसके एरिया होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स के उसके वॉल्यूम होते हैं, बट हम सारे ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम और सरफेस एरिया नहीं निकाल पाएंगे. तो हम स्पेसिफाई करते हैं जो हमें जरूरत है, जिसका हम इजीली डिराइव कर पाए फॉर्मूला, वो हमने किया है. दैट मीन्स हमने इस चैप्टर में, इस क्लास में, लाइक प्रीवियस क्लासेस में हमने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को कवर किया है. फॉर एग्जाम्पल, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर. अब हम कर रहे हैं कोन एंड स्फीयर. ये दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में. हमने पिछले दोनों चार क्लासेस में, पहला फर्स्ट क्लास में हमने सरफेस एरिया ऑफ ए कोन किया था, सेकेंड क्लास में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किया था. अब इस क्लास में विल डिस्कस कोन का वॉल्यूम. सो वी हैव जस्ट, दिस वॉज द रिकैप वी हैव, दैट इज ए कोन. This is the shape of the cone. ये cone का shape है, ये triangular दिखेगा आपको. जब you take up 2D, it is triangular. This is vertical cone. तो ये जो cone है, इस cone का एक height है. We have this length as height, and this is known as the slant height. ये जो slant line दिख रहा है ना, this line that we have is known as the slant height, and then we have the radius of the base, which is this quantity. So these are the elements of this object that is known as cone. ठीक है. Now इसका surface area, curves, अच्छा इसके कितने surfaces हैं? As you can very clearly say, ये एक surface हुआ, इसको एक surface बोलते हैं, और ये एक base part जिस पे वो टिका हुआ है, that is a circular region. So this object has two surfaces. One is known as the curved surface area. Then we have the base. So therefore, total surface area of the cone, which is curved surface area plus base. Curved surface area का formula है pi r l. पिछले दो class में मैंने ये कहा था बच्चों, ये particular chapter is based on one particular formula. That is, we have to apply formula of surface area and अब formula of volume to take up the questions that we have. ठीक है. अब उसमें variations क्या होते हैं, formula तो हमारा fixed है, अब variation of questions क्या होगा वो भी हम देखेंगे इसमें. अब next हमने देखा था surface area of sphere. Surface area of a sphere is 4 pi r square, and surface area of hemisphere. Hemisphere means आधा sphere. So एक और object आ गया, hemisphere भी आ गया. Hemisphere means आपने sphere को आधा काटा, तो उसके सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर. एंड नाउ यू कैन सी दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में आप कितने सरफेस हो जाएंगे, एक और सरफेस आता है, दैट इज एक बेस जिस पर टिका हुआ है, दैट इज ऑल्सो अ सरफेस विच इज सर्कुलर इन शेप. देखिए ये सर्कुलर शेप, सो दैट इज अ सर्कल, सो विच इज पाई आर स्क्वायर. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर. सो ये चीज हमने लास्ट टू क्लासेस में किया था. इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ अ कोन.
volume of a cone is pi r square h upon 3. That is pi r square actually hai volume of a cylinder. अब उसका वन थर्ड, अब वन थर्ड आप ये टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, आपके पास ये पिक्चर रहेगा, इसके रिप्रेजेंटेशन है ये. व्हाट इज इट सेइंग कि देखिए आपने कोन, ये जो पर्टिकुलर कोन है जिसका हाइट जो है आप देख रहे हैं, इसका हाइट जो है h है एंड सिलेंडर का भी हाइट h है. रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r, रेडियस ऑफ कोन इज ऑल्सो r. सो एक कोन जिसका हाइट सिलेंडर के बराबर है, रेडियस सिलेंडर के बराबर है, वो कोन से अगर आपने इन सपोज करिए आप इस कोन में पानी भर के सिलेंडर में भर रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट टाइम जब फिल करेंगे तो इतना पार्ट फिल होता है, सेकेंड टाइम फिल कर रहे हैं तो ये एड ऑन होता है, थर्ड टाइम फिल किया तो ही सिलेंडर फिल होता है, कंप्लीटली भरता है. दैट मीन्स तीन बार आपको कोन से पानी फिल करना पड़ेगा तभी आपका सिलेंडर भरता है. This says that the volume of a cone is one third the volume of a cylinder. ठीक है, तो ये अपना formula है. अब देखते हैं अपन questions किस तरह से आते हैं. सबसे पहले question आता है volume निकालने का. तो volume निकालने का question क्या है ये? Just direct question. अब देखेंगे ये direct question. इसमें क्या information है? इसमें radius दिया है and height दिया है. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उन expressions को replace करना है. तो रिप्लेस करिए, देखिए 1 अपॉन 3, 22 अपॉन 7, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस 3.5 है, जिसको मैंने डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में लिखा, 35 अपॉन 10, 35 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 12. अब इसमें कैलकुलेशंस देखिए, आप ये कैलकुलेशन ये है कि 3 एंड 12 कैंसिल हो जाता है, ये 4 हो जाएगा, 7 कैंसिल्स विद 35 एंड यू गेट ए 5. फाइन, अब देखिए ये 5 यहां से कैंसिल हो गया, 2 हो गया एंड दैट कैंसिल दिस 11 हो गया. अब जो बचा एलिमेंट है, वॉट एवर इज लेफ्ट इज कमिंग आउट टू बी दिस वैल्यू. सो देयरफॉर द वॉल्यूम, दैट मींस ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन है. हाँ, अब ये एक और चीज याद दिला रही हूं मैं आप लोगों को बच्चों, कि हमने यहाँ पे पाई का वैल्यू जो यूज किया है, पाई इज अ इरेशनल नंबर, बट हमें किसी चीज का वैल्यू निकालना है तो उसमें पाई का वैल्यू लेना पड़ेगा, कोई एक नंबर लेना पड़ेगा. सो द नियरेस्ट नंबर दैट वी कैन हैव इज वन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लेते हैं, विच इज नथिंग बट 22/7. द अदर वन इज in the form of a decimal, which is obviously non-terminating, non-recurring, but hum usko use karne ke liye, we'll take only up to 2 place of decimal. ठीक है, अब मैंने 3.1 को क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि आप लोगों को बताया था, याद दिलाया था, अगर डिवाइडेड बाय 7 है तो कोई ऐसा नंबर न्यूमरेटर में है क्या देखेंगे कि जिससे कि वो 7 कैंसिल हो सकता है तो वी विल प्रेफर टू टेक 22 अपॉन 7, अदरवाइज वी विल लीव इट इन दिस फॉर्म. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, अब इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है? वेरिएशन देखिए, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम दिया है हमें, volume is 1570 cubic centimeter, right? You have to find the total surface area of the cone. इस तरह का variation आता, that is volume दिया है, आपको total surface area निकालना है. तो आपके पास information क्या है? Height तो दिया हुआ है, आपके पास volume भी दिया है. अब आपको information से क्या चाहिए अपने को? Total surface area, total surface area भी अपन ने देखा है बच्चों. Total surface area is pi rl plus pi r square, जिसमें हमें radius भी चाहिए एंड एक और क्वांटिटी विच इज नोन एज स्लैंट हाइट. ये दोनों ही अननोन क्वांटिटीज है अभी, आर भी अननोन है, एल भी अननोन है. सो व्हाट विल हेल्प अस टू गेट इट, दिस इज द थिंग, दैट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम से कैसे क्या मिलेगा अपने को? वॉल्यूम का फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच, एच तो ऑलरेडी है, वॉल्यूम का वैल्यू है अपने पास. अब देखिए 3.14 लिया है क्योंकि इन्होंने कहा है यूज 3.14. आप जब 3.14 यूज करेंगे तो इट गेट सिंप्लीफाइड एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर एज 100. ये कैंसिलेशन आप देखिए, सिंप्लीफाई करके देखिए, दिस कैंसल्स दिस बाय 5 एंड इट कैंसल्स इट बाय 3.1. चेक करके देखिए 4, देखिए 3.14, देखिए 3.14 100 आएगा ना आर स्क्वायर. सो दैट इज दिस कंप्यूटेशनल पार्ट. सो आप ये कंप्यूटेशनल पार्ट देख लीजिए, दिस इज हाउ इट इज बीन इवैल्यूएटेड. ठीक है, नाउ आर स्क्वायर इज 100, तो आर का वैल्यू 10 आ गया. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ आर. अब एक इंफॉर्मेशन आप लोग के पास है कि व्हेन यू टेक अप दिस इन अ 2D, वी मेक अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, दिस इज हाफ द कोन्स रिप्रेजेंटेशन.
ये पूरा कोन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है. तो राइट एंगल ट्राइंगल किसके बीच में, हाइट रेडियस एंड स्लैंट हाइट के बीच में. तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है हाइट के बारे में, अब अपने पास इंफॉर्मेशन है रेडियस के बारे में. तो वी कैन ऑलवेज गेट दिस थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है एंड वी ऑल नो दैट एल स्क्वेयर इज एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर. तो एच स्क्वेयर इज 15 स्क्वेयर एंड आर स्क्वेयर इज 10 स्क्वेयर. सो देयरफॉर इसमें से आप फाइव सिंप्लीफिकेशन अगेन देखिए, इसमें से फाइव कॉमन है तो फाइव स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, बचा इज थ्री, थ्री स्क्वायर इज नाइन एंड यहाँ से टू इज रिमेनिंग, टू स्क्वायर इज फोर. सो देयरफॉर व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एल बी, फाइव रूट थर्टीन, वही लिखा है मैंने देखिए, दैट्स द थिंग आई हैव रिटन. सो देयरफॉर वी हैव द वैल्यू ऑफ एल, वी हैव द वैल्यू ऑफ आर, सो वी कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ टोटल सर्फेस एरिया. जस्ट सब्सटीट्यूट करिए, यू गेट इट अप्रॉक्सीमेटली, इट इज अप्रॉक्सीमेटली क्योंकि हमने वैल्यू ऑफ थ्री बायस 3.14 लिया, इट इज नॉट एग्जैक्ट. ये एग्जैक्ट कभी वैल्यू आएगा नहीं क्योंकि इट हैज पाई इन नेट. ये बच्चों हमेशा याद रखना, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है. Yes, so this is one question. So ma'am, what I understand here is that बहुत important है कि आप ना सिर्फ फॉर्मूला याद रखें बट उसके अलावा साथ ही साथ जो सही फिगर है, डायग्राम है, और सही वैल्यूज़ पुट करें तो जितना आपका सॉल्विंग प्रॉब्लम का ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत इजीली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपने सही समझा, बिल्कुल सही समझा. तो आपको डायग्राम के हेल्प से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं एंड उसका कंप्यूटेशनल पार्ट कर सकते हैं. बिल्कुल मैम, और कोई एक्सरसाइज के थ्रू आप बच्चों को समझाना चाहें मैम? हाँ, अभी एक एक क्वेश्चन में एक एक इम्पॉर्टेंस है, तो हर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो उसके थ्रू अपन देखेंगे, ठीक Indeed, है मैम. यस, ये कोनिकल नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ डिफरेंट है, तो उसको कैसे हैंडल करना वो देखना है. Yes, now, देखिए, एक कोनिकल शेप्ड हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड व्हेन 154 क्यूबिक मीटर्स ऑफ सैंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड. ये आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, अगर आपने रेत या कोई आइटम जैसे आप ऊपर से गिराते हैं, रेत को स्पेशली आप देखिए, रेत को आप गिराते हैं, जब वो पूरे रेत आपके हाथ में, एक बैग में आप रेत लीजिए और उसको नीचे किसी सरफेस में गिराइए, तो वो क्या शेप लेता है? इट टेक्स द शेप ऑफ अ कोन. ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखो कहीं भी रेत का ढेला कैसा दिखता है आपको बच्चे, ध्यान करें कि इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ पहाड़ जैसा दिखता है कि नहीं, जो बच्चे बचपन में हमने पहाड़ बनाया वैसे शेप का रहता है. सो इट इज द शेप ऑफ अ कोन, ठीक है. तो ये स्पेसिफाई किया कि वो शेप कोनिकल है और उसमें उस शेप में कितना क्वांटिटी ऑफ सैंड है, 154 क्यूबिक मीटर्स ऑफ सैंड है, ठीक है. अब उसका जो रेस रेडियस है, तो वो जो बना है वो, दिस इज हाउ इट इज फॉर्मिंग, ये ऐसा बना है, ये कोनिकल शेप बनता है, फाइन. उस तो इस हीप का रेडियस ऑफ द बेस, ये बेस हुआ, इसका रेडियस दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर. अब आपको क्वेश्चन क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ टारपोलिन जिसका विड्थ 5 मीटर है, रिक्वायर्ड टू कवर द हीप. क्या आप समझ पाए क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है, आपने तो रेत को गिराया है, वो इट फॉर्म्स अ कोनिकल पैटर्न, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका शेप कोन जैसा, एक पहाड़ जैसा शेप है. अब ये रेत को हमको सेव करके रखना, या ग्रेन्स जो भी आप जिसको भी बोलते उसको सेव करके रखना, तो उसके ऊपर एक कवर डालेंगे हम. तो वो कवर डालने के लिए एक कपड़ा जैसा है टार्पोलिन, जिस कवरिंग ये जो शेप है उसको कवर करना है. अब जो भी आप कपड़ा कम दुकान से खरीदते हैं, हम जब भी दुकान से, ये पिछले बार भी एक क्वेश्चन आया था, हम जब भी क्वेश्चन दुकान से कोई कपड़ा खरीदते हैं बच्चों, याद करके देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं हम दुकानदार को. कुछ लेते पसंद करते हैं तो एक कपड़े का पीस लेने के लिए हम क्या बोलते हैं, हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए या 2 मीटर कपड़ा चाहिए या 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, हम लेंथ की बात करते हैं, जबकि कपड़ा इज अ पीस, एक रीजन है. तो दैट मीन्स वो विड्थ कहाँ है, विड्थ इज ऑलरेडी कवर्ड इन इट, क्योंकि हर कपड़े का पर्टिकुलर विड्थ होता है, तो उस विड्थ से वो एरिया हो जाता है, दैट वो है इंफॉर्मेशन, ये विड्थ वाला. तो हमें सिर्फ उसका लेंथ देखना है जितना हमें लेना है. वो लेंथ से क्या मतलब है, लेंथ एंड विड्थ मल्टीप्लाई करेंगे तो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कपड़ा आता है अपना, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कपड़ा आता है, तो लेंथ एंड विड्थ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास उस कपड़े का एरिया मिलता है. और ये एरिया किस लिए चाहिए अपने को, ये एरिया चाहिए वो हीप को कवर करने के लिए. तो हीप को कवर कर रहे हैं तो वो सैंड रीजन को कवर कर रहे हैं, तो
क्या कवर हो रहा है? ये पार्ट कवर हो रहा है. ये पार्ट कवर हो रहा है मीन्स कौन सा रीजन कवर हो रहा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कवर हो रहा है. तो आपको क्या निकालना है फाइनली? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. यस अब आपको कोन का कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो यू रिक्वायर रेडियस चाहिए अपने को. रेडियस तो ऑलरेडी है अपने पास, बट एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, दैट इज नोन एज स्लैंट हाइट. ये तो इस क्वेश्चन के बीच में कहीं नहीं दिख रहा है. तो हम कहां से यूज करेंगे, कहां से निकालेंगे कि ये जो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव कि ये वह पार्ट है. ये हमें देगा एक एलिमेंट उस कोन का. कौन सा एलिमेंट मिल रहा है हमको? देखिए, वॉल्यूम से हमें मिल, हम वॉल्यूम इज कनेक्टेड टू रेडियस एंड हाइट. तो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ हाइट. तो हाइट ऑफ दैट कोन इज 12 मीटर्स. अब हाइट मिल गया अपने पास, सेम वो हाइट आ गया अपने पास. अब अपने को निकालना है स्लांट हाइट. अब स्लांट हाइट के लिए मैंने ये वर्कआउट किया, पिछला क्वेश्चन को वर्कआउट नहीं किया क्योंकि वो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें डायरेक्ट अपने को पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिख रहा था. अब आप इसमें भी देखिए बच्चों, आप लोग हमेशा कंप्यूटेशन करते समय, मैं बार बार याद दिला रही हूँ, कंप्यूटेशन करते समय थोड़ा सा अप्रोच आप अपना सही रखिए तो आपका टाइम बचेगा. क्योंकि आप इस एक्सप्रेशन को देख के क्या लग रहा है कि आपको 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद 35 का स्क्वायर करके, फिर 20 का स्क्वायर से डिवाइड करके, फिर आपको ऐड करना है एंड देन उसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो ये एक लंबा प्रोसेस है. अगर आपने इसको थोड़ा ध्यान से देखा तो आप इस लंबे प्रोसेस को अवॉइड कर सकते हैं. वो कैसे? 35 अपॉन 20 रिड्यूसेस टू, देखिए इसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं. एंड ये कैलकुलेशन में 12 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, ये दोनों ऐड किया, 12 एंड 2 का स्क्वायर हो जाता है 24. तो 24, 5, 7, 24, 7, 24 and 25, ये तीसरा, दैट इज अनदर सेट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. तो डायरेक्टली हम कंप्यूटेशन का पूरा स्टेप्स दिखाए बिना इतने स्टेप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना स्लैंट हाइट. अब स्लैंट हाइट निकल गया अपने पास, तो एरिया ऑफ द टारपोलिन रिक्वायर्ड क्या है? दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. और एरिया टारपोलिन का कैसे निकालते हैं? उसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय उसका वेट, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द. So this comes out to be 27.5 meters. So kitna length chahiye apne ko wo heap of sand ko cover karne ke liye? 27.5 meter kapda chahiye, tarpaulin chahiye. Theek hai? So dekhiye, ek different question aaya ki humne kahin se koi ek value expression se hume element mila us cone ka, usse dusra element nikal ke humne जो क्वेश्चन पूछा उसको आंसर किया. बिल्कुल मैम, ये दूसरा क्वेश्चन है. बहुत ही सरल तरीके से मैम आपने ये दोनों ही क्वेश्चन हमें बताए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को भी इससे बहुत मदद मिली होगी. क्योंकि एक तो जितना ही इजीली अप्रोचेबल आपकी अप्रोच है मैथमेटिक्स पढ़ाने की, उसके साथ साथ जैसे आपने बहुत ब्यूटीफुली हाईलाइट किया कि कैसे फार्मूला और सही वैल्यू ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है इक्वेशन को सही से सॉल्व करने के लिए. मैम चूँकि घड़ी की सुइयाँ इशारा कर रही हैं कि अब कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, तो चलते चलते बस बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्रैक्टिस है मैथमेटिक्स के इक्वेशंस की सॉल्यूशन निकालने की, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बहुत ब्रीफ में मैम. देखिए, प्रैक्टिस आप तब करिए जब आप समझ पाए. तो आपका प्रैक्टिस करने से पहले आप क्वेश्चन को बार बार रीड करके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशंस क्या है उसको हाईलाइट करने की कोशिश करिए. प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें क्वेश्चन, हमें मालूम है कि एक चैप्टर, जैसे ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर में इस चैप्टर का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. पर अभी आपने देखा वेरिएशन कि वो जो फॉर्मूला हम स्टार्ट कर रहे थे पाई आर स्क्वायर एच अपॉन थ्री, वो यूज करके हमें और भी कोई कोई इन्फॉर्मेशन से थ्रू हमें उसके क्वेश्चन को आगे बढ़ा के सॉल्व कर रहा है. तो इसका मतलब है कि हमें पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़ के समझना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि उसमें एलिमेंट क्या क्या है जी. और उसके बाद जब हम फॉर्मूला यूज करके उसको कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट करते समय भी आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई अल्जेब्रा का कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लग रहा है. बिल्कुल, वो प्रॉपर्टीज को यूज करोगे तो हमारा कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाएगा. yes, और जहां कैलकुलेशन इजी हो जाएगा गलतियां कम होंगी क्योंकि हमारे मार्क्स कटते हैं. अच्छा, ये सब क्वेश्चंस में क्या है, मार्क्स सबसे फर्स्ट स्टेप से कटना शुरू हो जाता है क्योंकि वैल्यूज हम गलत गलत लिखते, एड ऑन मल्टीप्लाई जो भी करते हैं वो गलत गलत, तो पूरे क्वेश्चन का कट जाता है, यू वोंट गेट एनी मार्क्स इन इट. तो बच्चे इसीलिए परेशान होता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि कुछ ना कुछ मार्क्स उसको मिल ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने सारे इन्फॉर्मेशन यूज जो किए वैल्यू इवैल्यूएट किए वो गलत आता है. तो मैम बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे बताई कि
हर स्टेप पे बहुत केयरफुल होके आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में ही उलझ जाएंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बीना प्रकाश मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, बीना मैम पीजीटी मैथमेटिक्स हैं कैंपियन स्कूल भोपाल में, और इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है वो आप हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर बता सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप ये लाइव प्रोग्राम नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगला जो कार्यक्रम है वो हमारा है क्लास टेंथ साइंस का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो प्लीज़ इसी चैनल पर बने रहिए और एनसीईआरटी देखिए। धन्यवाद।